हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं कार गुरुजी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, फरवरी 2024 में हमारे भारत में कुल 112,110 सब 4 मीटर SUV सेल हुई हैं। एंड इन 112,110 यूनिट्स में से कौन सी SUV की कितनी यूनिट्स बिकी हैं वो आपको आज के इस वीडियो में पता लग जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फरवरी 2024 की टॉप सेलिंग सब 4 मीटर SUVs के बारे में बात करेंगे जिनकी बिक्री सबसे ज़्यादा हुई है हमारे भारत में। साथ ही इन SUVs की लेटेस्ट एक्सोरूम प्राइजेस भी आपको बताएंगे। और इन सब 4 मीटर SUVs में वो गाड़ी आती है जिसमें गाड़ी की लेंथ 4 मीटर से कम की होती है। एंड इस सेल्स में माइक्रो SUVs भी शामिल है। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 13th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी जिम्नी, जिसकी 322 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी 2024 में पूरे भारत में। एंड इस SUV की स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस है 12,74,000 रुपये। एंड टॉप वेरिएंट के लिए 14,95,000 रुपये तक जाती है। और ये प्राइजेस दोस्तों आपके शहर के हिसाब से थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। अच्छा, इसके बाद 12th पोजीशन पर आई है रेनो की काइगर, जिसकी 1,047 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी 2024 में पूरे भारत में। एंड इस SUV की स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस है 6 लाख रुपीस। एंड टॉप पेरेंट के लिए 11,30,000 रुपये तक जाती है। आगे बढ़े तो 11th पोजीशन पर आई है निशान की मैगनाइट, जिसकी 2,755 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी 2024 में पूरे भारत में। एंड इस गाड़ी की स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस है 6 लाख रुपीस। एंड टॉप पेरेंट के लिए 11,27,000 रुपये तक जाती है। ये निशान की इकलौती गाड़ी है जिसने कंपनी को भारत में संभाल के रखा हुआ है। बात तो सही है। नंबर 10th पोजीशन की बात करें तो वो है महिंद्रा की XUV 3W, जिसकी 4,218 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी 2024 में पूरे भारत में। इस SUV की स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस है 7,99,000 रुपये। एंड टॉप पेरेंट के लिए 14,76,000 रुपये तक जाती है। इस SUV का फेसलिफ्ट वर्जन आपको इसी साल देखने को मिल सकता है। इसके बाद 9th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार, जिसकी 5,812 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी 2024 में पूरे भारत में। इस SUV की स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस है 11,25,000 रुपये। एंड टॉप वेरिएंट के लिए 17,60,000 रुपये तक जाती है। इस SUV का बहुत ही जल्द 5-door वर्जन लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 8th पोजीशन की बात करें तो वो है हिंडे की एक्स्टर, जिसकी 7,582 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी 2024 में पूरे भारत में। इस SUV की स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस है 6,13,000 रुपये। एंड टॉप वेरिएंट के लिए 10,28,000 रुपये तक जाती है। एंड अगर आप इस गाड़ी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के साथ इसका कंपैरिजन टाटा पंच के साथ देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़े तो नंबर 7th पोजीशन पर आई है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 8,393 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी 2024 में पूरे भारत में। इस SUV की स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस है 7,94,000 रुपये। एंड टॉप वेरियंट के लिए 13,48,000 रुपये तक जाती है। और अगर आप इस गाड़ी का कंपैरिजन किया सोनेट या टाटा नेक्सॉन के साथ देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद नंबर 6th पोजीशन पर आई है किया सोनेट, जिसकी 9,102 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी 2024 में पूरे भारत में। इस SUV की स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस है 7,99,000 रुपये। एंड टॉप वेरियंट के लिए 15,69,000 रुपये तक जाती है। एंड अगर आप किया सोनेट के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के साथ इस गाड़ी का कंपैरिजन मारुति ब्रेजा एंड टाटा नेक्सॉन के साथ देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नंबर 5th पोजीशन की बात करें तो वो है महिंद्रा के बुलेरो, जिसकी 10,113 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी 2024 में पूरे भारत में। एंड इस सेल्स में बुलेरो एंड बुलेरो नियो दोनों ही शामिल हैं। और प्राइजेस की बात करें तो बुलेरो की स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस है 9,90,000 रुपये। एंड टॉप वेरियंट के लिए 10,91,000 रुपये तक जाती है। दूसरी है बुलेरो नियो, जिसकी स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस है 9,90,000 रुपये। एंड टॉप वेरियंट के लिए 12,15,000 रुपये तक जाती है। आगे बढ़े तो नंबर 4th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, जिसकी 14,168 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी 2024 में पूरे भारत में। इस SUV की स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस है 7,51,000 रुपये। एंड टॉप वेरिएंट के लिए 13,04,000 रुपये तक जाती है। नंबर 3rd पोजीशन की बात करें तो वो है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 14,395 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी 2024 में पूरे भारत में। इस SUV की स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस है 8,15,000 रुपये। एंड टॉप वेरिएंट के लिए 15,80,000 रुपये तक जाती है। इस गाड़ी का एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी आता है, जिसकी स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस है 14,49,000 रुपये। एंड टॉप वेरिएंट के लिए 19,49,000 रुपये तक
जाती है। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर है मारुति सुजुकी ब्रेजा जिसकी 14,765 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी 2024 में पूरे भारत में। इस एसयूवी की स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस है 8,34,000 रुपये, टॉप पेरेंट के लिए 14,14,000 रुपये तक जाती है। और अब बात करें फरवरी 2024 की टॉप सेलिंग सब फोर मीटर एसयूवी के बारे में, तो वो है टाटा की पंच है जिसके 18,438 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी 2024 में पूरे भारत में। इस गाड़ी की स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस है 6,13,000 रुपये, टॉप पेरेंट के लिए 10,20,000 रुपये तक जाती है। इसका एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी आता है जिसकी स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस है 10,99,000 रुपये, एंड टॉप पेरेंट के लिए 15,49,000 रुपये तक जाती है। एंड अगर हम इस लिस्ट में माइक्रो एसयूवीज को इंक्लूड ना करें तो इस लिस्ट में मारुति की ब्रेजा ही टॉप पर रहेगी। तो दोस्तों ये थी टॉप सेलिंग सब फोर मीटर एसयूवीज फरवरी 2024 की हमारे भारत में, एंड इनमें से कौन सी एसयूवी आपकी फेवरेट है आप लोग हमें कमेंट्स में बताना। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।